हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप IIT जेम, CSIR नेट, गेट एंट्रेंस पेपर फॉर MSc, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, BSc, MSc, SRF, CUSET या किसी भी MSc या मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको मेरे YouTube चैनल को जरूर देखना चाहिए। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 19 है, इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास दिया हुआ है, इफ द फूरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन fx इज गिवन बाय fx बराबर 1 + 2x / π, इफ या यहां पे कंडीशन दी हुई है माइनस पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0। सेकंड है हमारे पास 1 - 2x / π 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 π, देन फाइंड fn यानी फूरियर सीरीज हमें निकालनी है। तो फ्रेंड्स, इसको निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। पहले देखते हैं ये फंक्शन जो है इवन है या ऑड। अब ये देखने के लिए सिंपली हमारे पास fx, फर्स्ट है हमारे पास वेन माइनस पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0, तब हमारे पास fx है, हमारे पास fx है हमारे पास 1 + 2x अपॉन पाई। अब फिर से अगर हमें यहां से f माइनस एक्स निकालना हो, f - x, तो f - x किस तरह से डिफाइन होगा, जब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि x की वैल्यू अब यहाँ पर है हमारे पास, अगर माइनस एक्स की वैल्यू अगर देखें तो यहां से अगर माइनस एक्स की वैल्यू चेक करना चाहे तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो पाई ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास ये टर्म जो है ये आ जाती है। तो इसको इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू x माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू पाई, जब x हमारे पास इनके बीच में हो, तो इनके बीच में हो तो उस कंडीशन में हमारे पास जो फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइन होगा, इस तरह से। तो ये हो जाएगा f - 1 - 2 ऑफ माइनस एक्स अपॉन पाई इक्वल टू 1 + 2x अपॉन पाई इक्वल टू fx, यानी हमने f - x निकालना स्टार्ट किया और f - x जो आया हमारे पास fx ही आ गया। अब तो ये जब है तो ये कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन, व्हेन 0 लेस देन x लेस देन पाई, तब उस कंडीशन में हमारे पास fx है वो है 1 - 2x अपॉन पाई, बट अगर हमें चाहिए f - x तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई करने पर ही हो जाएगा पाई लेस देन इक्वल टू माइनस पाई लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0, यानी ये टर्म आ जाएगी। तो f - x अब किस तरह से डिफाइन है, इस तरह से। तो ये हो जाएगा 1 + 2 - x अपॉन पाई, तो यहां से हो गया 1 - 2x अपॉन पाई, यानी कि ये भी fx है। अब फिर दोनों केस में फंक्शन जो है हमारे पास fx और f - x बराबर fx आया, f - x बराबर fx आया दोनों केस में। तो यहां से हम कहेंगे कि जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, इंप्लाई f इज इवन फंक्शन। अब ये हो गया हमारे पास f इवन फंक्शन आ गया, उसके बाद हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं fn की। तो fn निकालने के लिए जो इवन फंक्शन होता है फ्रेंड्स, उस कंडीशन में जब f जो इवन फंक्शन होता है उस कंडीशन में fn बराबर a0 + समेशन ऑफ an cos nx n बराबर 0 टू इंफिनिटी एंड प्लस समेशन ऑफ bn sin nx n बराबर 0 टू इंफिनिटी। और जब इवन फंक्शन होता है उस कंडीशन में जब bn जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, तो ये टर्म हमारे पास से हट जाएगी यहां से, तो ये टर्म हट जाएगी और सॉरी यहां an/2 होता है, an/2, तो यहां से ये हो जाएगा हमारे पास fx बराबर an/2 + समेशन ऑफ n बराबर 0 टू इंफिनिटी और an cos nx, ये हो गया। अब हमें an की वैल्यू निकालनी है और an cos nx की वैल्यू निकालनी है।
तो फ्रेंड्स ए एन की वैल्यू निकालते हैं, तो ए एन की वैल्यू बराबर ए एन जो है वो है 2/π 0 to π fx dx। अब ये वैल्यू निकालते हैं तो ये हो गया हमारे पास 2/π 0 to π और fx क्या था हमारे पास, fx था 1 - 2x/π, जब वैल्यू जो थी 0 और पाई के बीच में है उस कंडीशन में, तो ये हो गया हमारे पास dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करने पे आ जाएगा हमारे पास 2/π। इंटीग्रेशन क्या, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस, और इसका करेंगे तो ये 2x² / 2 आएगा, तो यहां से हमारे पास x² / π बच जाएगा और 0 to π ये हो गया। अब फिर से वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो 2/π यहाँ पे पाई माइनस यहाँ पे वैल्यू पुट की तो π² / π, तो पाई 0 की वैल्यू पुट करके दोनों टाइम 0 आ जाएगा, टोटल टर्म जो है वो 0 आ चुकी है, यानी यहां से हमारे पास ए एन बराबर 0 आ चुका है। अब हमें निकालना है समेशन ऑफ एन बराबर 0 to ∞ ए एन कोस एन एक्स डी एक्स। अब हमें ये निकालना है, बस ये निकालने के लिए इस ए एन के लिए हमारे पास ए एन किस तरह से डिफाइन है। अब चूंकि हमें ये टर्म निकालनी है, तो ये टर्म निकालने के लिए समेशन को उठा देते हैं, ये निकालना है ए एन, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to π और ये हो गया हमारे पास 1 - 2x/π 1 - 2x/π, क्योंकि एफ एक्स जो था, यानी कि ये जो फॉर्मूला है इसके लिए एफ एक्स और कोस एन एक्स हो जाएगा और डी एक्स वाला फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा हमारे पास, और 2/π आगे है ही। इस फॉर्मूले को मैं ए एन कोस एन एक्स के लिए जो फॉर्मूला चलेगा वो चलेगा ए एन कोस एन एक्स बराबर 2/π इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, तो यही से हम लगा रहे हैं, ये एफ एक्स हो गया कोस एन एक्स डी एक्स। अब फिर ये आ गया हमारे पास, अगर इसका इंटीग्रेशन करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/π 0 to π और ये हो जाएगा कोस एन एक्स डी एक्स माइनस, और 2/π के अंदर मल्टीप्लाई कर दे, या अभी तो मैं यहां पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/π इंटीग्रेशन 0 to π एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। अब फिर इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड रूल से कर लेंगे और इसका साइड डायरेक्टली हो जाएगा, तो फाइनली जो हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा आ जाएगा 2/π 1 - 2x/π sin nx -2/π और ये माइनस का अंदर है cos nx/n² फ्रेंड्स। अगर ये टर्म आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं इस टर्म का एक्सप्लेनेशन आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि ये टर्म जो है सिंपली हमें इंटीग्रेट करना है इसको, तो इंटीग्रेट करने पे ये टर्म आ जाएगी हमारे पास, जब ये टर्म आ जाती है तो ये लिमिट जो है 0 to π है, लिमिट अप्लाई की तो ये हो जाएगा 2/π ये हो गया π यहाँ पे माइनस sin n π 0 होगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं तो ये 1 हो जाएगा cos n π, तो ये हो गया माइनस 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 से प्लस हो जाएगा, और यहां पे भी एक माइनस साइन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos n π / n² π, क्योंकि ये तो माइनस प्लस हो जाएगा बट ये माइनस रह जाएगा, ये हो गया। अब 0 अप्लाई किया तो हमारे पास यहां पे 1
ये बन, 0 रुपये अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सॉरी यहाँ पे बंद है, क्योंकि जब हमने पाई को यहाँ पे अप्लाई किया तो बन ही आएगा। अब इस पे 0 का अप्लाई किया तो यहाँ पे भी माइनस वन, और जब इस पे अप्लाई किया तो 0, और इस पे अप्लाई किया तो माइनस, ये हो जाएगा 1, और प्लस माइनस 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 3 माइनस हो जाएंगे तो प्लस ये हो जाएगा हमारे पास, माइनस 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 हो रहा है किसी वजह से माइनस, टोटल 4 माइनस हो गए, ये हो गए हमारे पास 2 upon n² π। अब ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास, तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं 1 से 1 कट जाएगा, ये हो गया हमारे पास 2 upon π, और ये 1 से 1 कट जाएगा तो हमारे पास 2 upon n² π - 2 cos n π / π² n, sorry, n² π। अब अगर हम चाहें तो इसमें से हम एन स्क्वायर पाई और 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 upon, ये हो जाएगा n² π², और ये हो गया हमारे पास 1 - 2 cos n π। अब फिर यहां पे अगर देखें तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो ये एन की वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी, तो ये हो गया हमारे पास 4 upon n² π² और ये वैल्यू जो है 1 - 1 to the power n, यानी n पे डिपेंड करेगी, इसकी वैल्यू जब 1 हो, जब 1 है तो वैल्यू जो होगी माइनस 1 होगी, जैसे 1 है तो cos π की वैल्यू 1 होती है, cos2π की वैल्यू 1 होती है, तो इस तरह से n पे डिपेंड करेगी, तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया। अब फिर सब ये हो गया हमारे पास, तो यहां से cos nx, हाँ यहां से हमें ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास यहां से फंक्शन की वैल्यू लिखनी है हमें यहां से, तो यहां से फंक्शन की वैल्यू लिखनी होगी। फंक्शन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो है हमारे पास समेशन ऑफ n बराबर 0 to ∞ an cos nx, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास 4 upon π² समेशन ऑफ n बराबर 0 to ∞ या n = 1 to ∞ है फ्रेंड्स, n = 1 to ∞, और जो n वाले टर्म है उनको इस साइड में ले लेते हैं, 1 - cos 2 तो बाहर चला गया, तो 1 - cos nx ये हो गया हमारे पास, और 1 upon n² ये हो गया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं वैल्यू, अगर देखें जब n बराबर 1 है, तो 1 होने पे ये कंडीशन n पाई है फिर से, तो n पाई यानी कि ये हो जाएगा 4 upon π², और जब n बराबर 1 है तो पाई, तो ये हो जाएगी वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 upon 1, n का स्क्वायर 2 upon 1, तो ये हो गया प्लस, जब n बराबर 2 है तो n बराबर 2 पे 2π हो जाएगा, यानी 0 सॉरी 2π हो जाएगा, तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 - 1 यानी 0, ये टर्म जब हमें लिखनी नहीं है। n बराबर 3 है तो हमारे पास ये टर्म 2 हो जाएगी, और ये अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस इसी तरह से 2 upon 5 का स्क्वायर प्लस इसी तरह से चलती हो जाएंगी। अगर 2 हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 upon π² और ये हो गया 1 + 1 upon 3² + 1 upon 5² प्लस डॉट डॉट चलते हुए ये टर्म है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम फोरियर सीरीज निकाल सकते हैं, तो ये इसका फोरियर सीरीज है हमारे पास। थैंक यू फ्रेंड्स।